हेलो एवरीवन, आज मेरा नाम इन बेलकन पेपर है हमारा ये हाँ हम पहले ये इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इसमें मैंने ये कैबेज लिया है, फिर ये स्प्रिंग ऑनियन है, ये ग्रीन बेल पेपर है, ये रेड बेल पेपर है, ये कैरेट है और ये कोरिएंडर लीव्स है। और बाकी के जो हमारे मसाले हैं उसमें ये मिक्स हर्ब है, फिर ये मेयोनीज है, केचप है और चीज है और घी है हमें रोस्ट करने के लिए। और मैंने ये टोर्टिया रेडी करके रखा है, ये हमारा टोर्टिया है। अब पहले हम स्टफिंग स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें पूरे ये जो हमने सब बारीक कटे हुए वेजिटेबल्स रखे हैं तो वो पहले ले लेते हैं। जो हमारे रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से हम डालेंगे। अब हमारे घर में जो ज्यादा पसंद है वो उसी के हिसाब से हम ले सकते हैं। फिर हम उसमें सब मसाले डालेंगे। तो ये हमने चिली फ्लेक्स है, फिर थोड़ा सा केचप डाला है, टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे। और साइड में हमारी ये पैन हम गर्म करने छोड़ देंगे, स्लो रखेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा चीज भी डालेंगे, हमारा नेम ही है चीजी कसाड़िया तो वो पूरा चीज से भरपूर होना चाहिए। अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमारा पैन भी गर्म हो गया है, अब हम ये टोर्टिया लेंगे। उसमें हम थोड़ा सा घी डालकर ऐसे टोर्टिया को रख देंगे, उसके ऊपर हम ये मेयोनीज है मेयोनीज स्प्रेड करेंगे। थोड़ा सा स्लो रखेंगे तो हमारा पूरा सीख ना जाए ज्यादा। फिर हम ये टोमेटो केचप लगाएंगे। फिर जो ये हमने स्टफिंग रेडी किया है हमारा तो वो उसके ऊपर डालेंगे, पूरा फिल करेंगे। ये कसाड़िया में वेजिटेबल्स बहुत आते हैं तो बच्चे को वैसा नहीं खाते, तो इसके साथ खिलाएंगे तो पूरा जैसे वेजिटेबल्स भी उसको खा सकते हैं। ऊपर हमारा ये दूसरा टोर्टिया है वो ऐसे प्रेस करेंगे तो जैसे कि हमारा ये जो फिलिंग है वो बाहर ना आए, पूरा सेक लेंगे, गोल्डन ब्राउन हो जाए और थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए तब तक हम सेकेंगे। अब उसको आराम से हम पलटा देंगे। हम दूसरे साइड भी थोड़ा सा घी लगाएंगे। अब उसको हम गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक पूरा सेकेंगे। पूरा क्रिस्प करेंगे।
थोड़ा सा प्रेस करके जाए तो जो हमारा वेजिटेबल्स हैं वो बाहर ना आए और स्प्रेड हो जाए थोड़ा सा। हमारा ये कसाड़िया है वो रेडी है और अब हम पूरा चीज डालकर सर्व करेंगे केचप और चीज के साथ। अब हम इसको निकाल लेंगे। देखिए अब हमारा ये गोल्डन ब्राउन कसाड़िया रेडी है। अब उसके ऊपर हम पूरा चीज डालेंगे, जैसे हमारा ये चीज है, और केचप उसके साथ सर्व करेंगे। थोड़ा सा केचप डालेंगे। अब हम इसको कट करेंगे। अब हम सर्व करेंगे चीज कसाड़िया हमारा। तो अब हमारा ये चीज कसाड़िया रेडी टू सर्व। और थैंक यू अमूल टीम, और थैंक यू एवरीवन।